ये मेरा सौभाग्य कि मैं शीतल के और करीब आ गई, वो जो बीच की दूरी थी वो हट गई। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत पास आ गई इनसे बात करने के लिए। और शीतल के बारे में क्या कहूँ, कल जब रात में इनसे मुलाकात हुई तो महज 16 साल की लड़की और क्या कीर्तिमान उसने देश के लिए स्थापित कर दिया, और ये साबित किया कि दिव्यांगता होने पर जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को भी अपने अवसर में हम कैसे बदल सकते हैं। किश्तवाड़ से आती हैं और अब गोल्डन गर्ल हैं, गोल्डन विंग्स ऊपर वाले ने इनको दे दिया है। तो आइए इनके साथ ये बहुत ही दिलचस्प सेशन हम शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। दो बहुत अच्छी बात हुई है इस हफ्ते, बहुत बहुत स्वागत है शीतल तुम्हारा। दो बहुत अच्छी बातें हुई हैं, एक तो वर्ल्ड रैंकिंग में आप नंबर वन हो गई हैं। कल जब आपसे बात हो रही थी तो आपके साथ के लोग कह रहे थे कि शीतल समझती नहीं है इस बात को कि ये वर्ल्ड रैंकिंग क्या होती है। ऐसा है क्या? हाँ जी, मेरे को पता नहीं है कि मैं वर्ल्ड नंबर वन बन चुकी हूँ, कि मुझे तक पता नहीं है। ये कितनी प्यारी बात है। और ये इनोसेंस जो है, कहते हैं कि इनोसेंस इज ब्लिस, ये भगवान करे हमेशा बना रहे इनके अंदर, कि आप नंबर वन पे हैं, चरम पर हैं, लेकिन आपको उसका एहसास नहीं है और नीचे वाले आपको देखकर बिल्कुल स्तब्ध हैं कि आप वहां पहुंच गई हैं। दरअसल शीतल, इतनी कम समय में जो परफॉर्मेंस है आपकी, 230 पॉइंट्स यू हैव अचीव्ड, और क्योंकि ये बहुत ही कम समय में हुआ है इसीलिए विश्व के जितने भी आर्चर्स हैं इतने कम समय में इतना बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया है, इसलिए आप नंबर वन हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बात को अपनी तालियों से बताइए कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विश्व का हमारे मंच पर बैठा हुआ है इस वक्त शीतल के रूप में। तो शीतल, कल तो आपका पूरा परिवार साथ में था हमारे और हम मिले और आपके बचपन की कुछ बातें मुझे पता चली, लेकिन शुरुआत कैसे हुई, कैसे शुरुआत हुई, कैसे ये पता चला कि शीतल के अंदर एक खिलाड़ी है? नमस्ते, मैं आपको बताऊं कि मैंने आर्ची स्टार्ट कैसे की थी। सबसे पहले मेरा गांव एक छोटा सा है किश्तवाड़ में, मैं वहां पर रहती थी पहले जब छोटी सी थी। मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था, तो बाद में मैं एक दिन गई थी ट्रीटमेंट करने के लिए बेंगलोर में। वहाँ पे प्रीति मैम मिली थी, उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बताया था कि मुझे बचपन में स्पोर्ट्स करना पसंद था पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो जो मैं करती थी उसको, मतलब जो मैं करना चाहती थी, मुझे पहले सपना था कि मैं टीचर बनूँ, बाद में वो सपना बदल गया एक। तो बाद में उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बताया कि तू कर पाएगी, तो तब भी मुझे लग रहा था कि नहीं कर पाऊंगी। फिर उन्होंने मुझे, मेरे जैसे लोगों से मुझे मिलाया, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बताया कि कर पाएगी ऐसे ऐसे। तो बाद में मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं कर पाऊंगी। बाद में मेरे कोचेस कुलदीप वेदवान मैम, अभिलाषा चौधरी, उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे श्री माता वैष्णो देवी आर्च अकेडमी में बुलाया। तो पहले पहले मुश्किल लगता था, वो नहीं पकड़ पाती थी क्योंकि वो भारी होता है, तो वो नहीं पकड़ पाती थी। तो उन्होंने मुझे सिखाया आराम नाम से थोड़ा हल्का करके बो दिया, तो बाद में मैं कर पाई। तो मैं और भी लोगों को देख रही थी, उनका निशाना लगता था तो मेरा नहीं लगता था, तो मुझे बुरा लगता था कि मेरा निशाना नहीं लग रहा, मैं तो कर भी पाऊंगी या नहीं। तो बाद में सर ने मुझे बोला, मेरे सर कुलदीप सर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि तू कर पाएगी, बस अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी है। इस बात को हम आगे ले चलेंगे, और भी जो कठिनाइयाँ आई आपके जीवन में उसके बारे में हम बात करेंगे। वो जो निशाना नहीं लग रहा था, वो पल कितना महत्वपूर्ण था आपके लिए, लेकिन यहाँ पर दाद देनी होगी हमारे उन दोनों गुरुओं को, कुलदीप जी और अभिलाषा जी, वो भी हमारे बीच आना चाहते थे लेकिन एक दूसरे इवेंट की वजह से वो नहीं आ सके। खिलाड़ियों के ही उनके लिए नमन है जो इस प्रतिभा को उन्होंने पहचाना और ट्रेन किया। अभिलाषा जी और कुलदीप जी का इस मंच से हम शुक्रिया करते हैं
कि एक टैलेंट हंट करना, गुरु के लिए एक पात्र को चुनना, उस प्रतिभा को चुनना भी, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, वरना हर किसी में प्रतिभा होती है। और शीतल, जैसे आप बता रही थी तो एक घटना के बारे में मुझे मालूम है कि जब आप बैंगलोर गए तो अभिलाषा और कुलदीप कोशिश कर रहे थे कि बोझ उठाने में आपको दिक्कत हो रही थी कि प्रोस्थेटिक का आपको मदद मिले, लेकिन मेडिकली कहा गया कि वो आपके ऊपर नहीं अप्लाई किया जा सकता। तो एक तस्वीर आपकी सबसे ज़्यादा लोगों ने देखी, बल्कि हम लोग भी उसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब पैर से आप निशाना साधते हुए दिखती हैं और फिर निशाना लगाती हैं। तो ये कैसे हुआ, आपने उनको कैसे ये समझाया कि बिना प्रोस्थेटिक के भी मैं ये कर सकती हूँ? मैंने जो प्रोस्थेटिक लगाया था बैंगलोर में, मुझे लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगी उनसे, अपना सारा काम कर पाऊंगी। तो जब मैंने वो लगाया तो मुझे भारी लगने लगे वो, तो बाद में एक दिन लगाया मैंने तो मुझे भारी लगने लगे, फिर मैंने खोल के रख दिए वो। तो बाद में जब मैं शुरू से ही पैर से ही काम करती थी, बचपन से ही लिखती पढ़ती खेलती सब, पेड़ पे भी चढ़ती थी मैं, सब पैर से पेड़ पे भी चढ़ जाती थी। ये मुझे आपके भाई ने बताया कि ये जब कोच को पता चला कि ये लड़की अपने पैरों से पेड़ पे चढ़ सकती है, तो फिर आर्चर उठाना क्या बड़ी बात है। तो कैसे पेड़ पे चढ़ती थी, ये कहानी तो हमें जरूर सुनाइए। जी, मैं पेड़ पे चढ़ लेती हूँ आराम से, जैसे कि कोई हाथ वाला चढ़ लेता है वैसे मैं चढ़ लेती हूँ। तो आपको डर नहीं लगता, इतना पहाड़ी इलाका है आपका, आप जहाँ से आती हैं, मतलब बिल्कुल गोल्डन गर्ल तो आप हैं ही और जंगल क्वीन भी हैं, डर नहीं लगता आपको पेड़ पे चढ़ना पहाड़ी इलाके? जी नहीं, डर नहीं लगता था मुझे पेड़ पे चढ़ते हुए। आप नटखट थी बहुत बचपन में, ये मुझे अजय ने बताया, बहुत नटखट? नहीं नहीं, पहले मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा खेलती रहती थी दोस्तों के साथ, फुटबॉल भी खेलते थे, और हम बचपन में लकड़ी का धनुष बनाते थे और हमें नहीं पता था कि ये सच में भी होता है, तो हम ऐसे खेलते रहते थे। और भी मेरे चाचू की लड़कियां बोलती थी दीदी मुझे भी बना के दो ना, मैं भी खेलना चाहता हूँ। कैसे आप तीर बनाती थी घर पे? जी पैर, टेक्निक बताइए, बच्चे भी जो आपसे प्रेरणा लेते हैं, इतने लोगों को आपने प्रेरित किया है, तो अगर एकेडमी में जाके आर्ट्स ना मिले तो अगर घर में भी बना सकते हैं तो बताइए, वो साझा कीजिए हमारे दर्शकों से। जी नहीं, जो लकड़ी का होता था हमें उसे, जैसे कि जो सच में है वैसे नहीं बनता था, तो जो अपने डिजाइन के हम बना लेते थे उसे खेल लेते थे। और आप पैर से उसे होल्ड करती थी? हाँ जी, पर वो हल्का होता है, जो हम अब चलाते हैं वो बहुत भारी है, जो हम बनाते थे घर पे वो हल्का ही होता था। तो यानी कि जो असली आर्चरी जो आपने प्रैक्टिस की वो हेवी है वजन में, और उसकी ही आपको तकनीक सीखनी पड़ी, आपको ये सीखना पड़ा। आप सभी को ये जानकर एक सुखद एहसास होगा कि सिर्फ एक साल के प्रशिक्षण में, एक साल की ट्रेनिंग में शीतल ने देश को गोल्ड दिलाया, और ये प्रदर्शन का है कि ये नंबर वन खिलाड़ी बन गई हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत यूनिक बात है और आश्चर्य करने की बात है, क्योंकि ये विश्व की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिनके बाजू नहीं है लेकिन निशाना ऐसा साधती हैं। वो मैं अगर आपको लेडी अर्जुन कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो निशाना साधते वक्त आपके दोनों गुरुओं ने आपको क्या सिखाया कि चलो ठीक है बाजू नहीं है तुम्हारे हाथ नहीं है, लेकिन तुम जिस तरीके से आर्च को पकड़ रही हो, निशाना साध रही हो, निशाना लगाते वक्त ऐसा क्या जहन में रखना है? क्योंकि आपने ये कहा कि शुरू में मेरे निशाने नहीं लग रहे थे, और लोगों के लग रहे थे, आपके नहीं लग रहे थे, तो क्या गुरु मंत्र मिला जिससे कि शीतल ने उसे उतार लिया? जैसे कि मैं बताऊँ कि पहले मेरा निशाना नहीं लग रहा था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, तो बाद में मुझे सर ने अच्छे से सिखाया तो कहने लगे कि अगर अभी हिम्मत तोड़ देगी तो आगे कुछ नहीं कर पाएगी। पहले ऐसे होता है कि नहीं कर पाते हैं, बाद में आसान हो जाता है, तो उस बात को मैंने अपने दिमाग में भर ली कि नहीं सच में ऐसा करना, अब हिम्मत हम अगर हिम्मत करेंगे तो आगे एक नए दिन हम कुछ ना कुछ बन के रहेंगे। तो बाद में मुझे सर ने सिखाया तो मैंने जो जो सर बता रहे थे वैसे ही मैंने किया, तो बाद में मेरी तीर लगने लगी, तो
तो फिर मैं ज्यादा थोड़ा सा खुशी होने लगी कि अब लगने लगे मेरे तीर। मुझे और भी मेहनत करनी चाहिए थी कि मैं बहुत आगे तक पहुंचूं। फिर एक दिन मैं नेशनल खेलने गई थी, तो वहाँ पे एबल वालों के साथ खेला मैंने नेशनल, तो वहाँ पे मैंने एक सिल्वर मेडल जीता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था तब कि मैंने पहला मेडल जीता था। मतलब जीत का वो पहला स्वाद आपने चख लिया था। हाँ जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि जब मैं सोचने लगी कि मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और भी काफ़ी सारे मेडल जीतने पड़ेंगे ऐसे ही। तो फिर मैंने और भी मेहनत की कि आज मैं एक स्टार बन गई हूँ। कि सुनिए सब भी कह रहे हैं कि शीतल एक स्टार बन गई है। बिल्कुल, आप हमारी लेडी स्टार हैं, गोल्डन स्टार हैं आप। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को जब सुन के ऐसा बोल रहे हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर। मुझे लगता है कि इस वक्त आप लोग इतने जिसको कहते हैं ना मासूमियत वाले भाव में या अपने बचपन में चले गए होंगे, इनको ये नहीं पता कि ये वर्ल्ड की नंबर वन खिलाड़ी हो गई है आर्चरी में, और इनको ये पता है कि ये स्टार हो गई है। अच्छा देखिए, सोशल मीडिया से बहुत सवाल आ रहे हैं और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी आपके लिए आ रहे हैं। मैं कॉम्प्लीमेंट्स पर जाऊंगी, बताऊंगी आपको कि क्या क्या बातें लोगों ने आपके लिए लिखी हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं। जैसे आप ही के जैसे हमारे एक दिव्यांग बच्चे ने लिखा है बहुत प्यार से कि मैं भी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन कभी कभी एक निराशा होती है। क्या कभी शीतल जी आपको भी निराशा होती थी जब आप प्रैक्टिस कर रही थी, जब ये सफलता का स्वाद आपने नहीं चखा था? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा ये सब स्पोर्ट्स। तो बाद में मुझे कोच बहुत, मेरी लाइफ में जितने भी आए हैं आज तक बहुत अच्छे आए हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे जैसे किस्मत वाले कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि बस करना है तो करना है, करना है तो करना है, क्या बात है। और यही बात जिन्होंने सवाल पूछा है उनको हम ये बता देते हैं कि करना है तो करना है, अगर ये जज्बा है, ये दिल में ठान लिया तो नतीजा आएगा ही और बेहतर आएगा। देखिए, किसी ने लिखा है, एक कमेंट है कि आपको फोकोमेलिया हुआ जिसकी वजह से बाजू आपके नहीं है बचपन में, तो माता पिता के बारे में वो जानना चाहते हैं कि क्या कभी मम्मी पापा को एक स्ट्रगल करना पड़ा जब आप बड़ी हो रही थी। आपसे एक बड़ा भाई है लेकिन आप मंझली हैं, मंझली लड़की हैं अपने घर में, तीन संतानों में बीच में हैं, तो माता पिता को कितनी दिक्कतें आई, क्योंकि किश्तवाड़ के जिस जगह से आप आती हैं वो बिल्कुल हिली एरिया है, मेन जो शहर है मुख्य शहरों से कटा हुआ है थोड़ा, तो ट्रीटमेंट को लेकर या बाकी आपके प्रशिक्षण को लेकर कितना उन्हें मेहनत करनी पड़ी आपके पीछे? मेरी मम्मी पापा जो है उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी। जब उन्होंने आज देख रहे हैं वो बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी मेडल जीत के आती है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। और उन्हें ये नहीं, कभी नहीं सोचा कि बचपन में हमारी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी। लोग कहते थे कि उनको लगता होगा कि ये शीतल कुछ नहीं कर पाएगी अगर दोनों हाथ नहीं है तो, बट अभी उनको पता नहीं है कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी कुछ कर पाता है। अगर मैं कहती हूँ कि अगर मेरे जैसे भी बहुत भाई बहन होंगे तो वो भी अगर कुछ स्पोर्ट में खेलें तो एक ना एक दिन वो भी एक स्टार बन जाएंगे। बस अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी है, तो बस अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी है। तो जो उनके मम्मी पापा होंगे, अगर उनका अच्छा सपोर्ट हो, मम्मी पापा फैमिली का सब सपोर्ट होगा, तो वो भी कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।